तलीता तो है वो क्या उससे शायद बात बन जाए वो का पाताओ पाताओ अबे वो गंजे ये बाबूलाल कौन है हजूर बाबूलाल मेरा ही नाम है हजूर सुना है आजकल गांव में बहुत दादागिरी कर रहा है सरकार में और दादागिरी सरकार किसी ने आपको गलत खबर दी है भाई बाप अबे खामोश गलत नहीं सही खबर सुनी है तो क्यों परेशान करता है उसे किसको सरकार वो कौन है उसका नाम चिरकुट हाँ चिरकुट चिरकुट अरे नहीं सरकार वो तो बहुत ही कमीना है सरकार वो तो बहुत दिन से मेरी बेटी के पीछे पड़ा है अरे वो तेरी लड़की को परेशान नहीं वो तेरी लड़की से प्यार करता है उससे शादी करना चाहता है और तो बीच में घाटा बनता है घाटा जो दो चार सर पे है ना वो भी उखाड़ दूंगा अरे बदतमीज आदमी जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहा है वो जो तुम्हारे दादाजी की जो लठिया रखी है ना जरा उसके ऊपर मठा और वो चाय वाय डाल के लाना बेटा जा अबे बदतमीज आ गए पुलिस वाले जैसे बात करता है अंदर डाल दूंगा अरे सरकार झूठे खाएंगे सरकार बच गए नहीं तो वो गंजा हम सबकी हड्डी पसली बराबर कर देता मेरी भी अबे तेरी मूछ नहीं हटती तो वो बुड्ढा मान जाता कहानी अब तो और भी बिगड़ गई यार लेकिन अब इससे आगे तुझ नहीं हो सकता अब तुझ नहीं हो सकता अब तो बस एक ही तरीका है वो क्या अपने बंबई जाने की तैयारी कर सीधा बंबई जा और कुछ बंद कर देगा तभी कुछ हो सकता है वरना कहानी बेकार है लेकिन बंबई जाने के लिए तो रुपया भी तो होना चाहिए ना हाँ वो तो एक बात बता चिरकुट तुझे कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी कम से कम 10,000 तो होना चाहिए ना तो 10,000 और क्या अरे वो 10,000 से याद आया कल गाँव में बूढ़ा पहलवान की तुष्टी है और उसे हलाने वाले तो 10,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे तेरा मतलब है मैं बूढ़ा पहलवान से कुश्ती लड़ू अबे मरवाएगा मैं का चूजा सा और वो का बूढ़ा पहलवान अबे वो बूढ़ा पहलवान नहीं है पूरा पहलवान है अबे साले मरवाएगा क्या उसको हराने का एक तरीका है मेरे पास वो का सुनो सुनो गांव वालों ये दुनिया का पहला मुकाबला है
आपके सामने पहली बार एक ऐसा मुकाबला दिखाया जाएगा जिसे देखकर सारा गांव दहल जाएगा। और वो मुकाबला होगा दो पहलवानों के बीच। पहला पहलवान जिसे इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है और इस गांव का जाना माना नाम, और वो नाम है भूरा पहलवान। जी हाँ, भूरा पहलवान जिसने बड़े बड़ों की हड्डी पसलियां बराबर कर दी है। और दूसरा पहलवान ऐसा पहलवान है जिसे दुनिया ने न देखो होगो न ही सुनो होगो, उसको नाम है चुरबुट पहलवान। हाँ तो भाइयों, अपनों अपनों प्लेटो थाम लियो, बस थोड़ी देर में जो मुकाबला शुरू होने वाला है। बापू क्या समझता है, अगर वो मुझे रुपया नहीं देगा तो क्या मैं बंबई नहीं जाऊंगा? जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, मुझे बंबई जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा बेटा, भगवान तेरी तमन्ना पूरी करे। बापू तो मुझे निकम्मा समझता है। अरे भूरा पहलवान को हराया, भूरा पहलवान को, कोई मजाक है उसको हराना? आज पूरे गाँव में मेरा नाम पुकारा जा रहा है, आज मेरे नाम के नारे लग रहे हैं। माँ जी सुन लिया, भूरा पहलवान को हराया के आया है मेरा बेटा। भूरा पहलवान को तरस आ गया होगा, खुद ही हार गया होगा। तरस आया हो या कुछ भी आया हो, कम से कम पूरे गांव में नाम तो करके आया है। नाम भी कर लिया और रुपया भी कर लिया, और अब मैं चला बम्बई। ओ भैया चिरकुट चला हीरो बनने, 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 ओ भैया चिरकुट चला हीरो बनने।
तिरकुट चला हीरो बनने, तिरकुट चला हीरो बनने। फिल्म में चुन्नी का है वो दीवाना, घूमता है गलियों में प्यारा प्यारा मुखड़ा उसका, खूब जमेगा फिल्म में चुन्नी का है वो दीवाना, घूमता है गलियों में। चिरकुट चला चिरकुट चला हीरो बनने। क्या मामू, किससे मिलने का? क्या रवि भैया यहीं रहते हैं? हाँ आप ही है रवि भैया, बोलो। नमस्ते। नमस्ते रवि भैया, हम चिरकुट नंगा पालमपुर गांव से। अच्छा चिरकुट, आओ आओ अंदर आओ। अच्छा आओ आओ अंदर आओ, आओ बैठो। अब उनके पास तुम्हारे गांव से तुम्हारे प्रधान जी का फोन आया था, बोल रहे थे तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करने का। हाँ जी हाँ। तो यही 6 बजे का जहाँ तुमको रहने का, अब उनका बिस्तर इधर है, तुम इधर सोने का। ठीक है रवि भैया। रवि भैया, और वो इसका भाड़ा वाड़ा? ज्यादा नहीं, बस 500 रुपए देने का। ठीक है रवि भैया। वैसे तो इधर ये करेंगे क्या आप उनका, मतलब मुंबई में क्या करेंगे? हीरो हीरो बनेंगे क्या हुआ रवि भैया? कुछ नहीं, जरा फंदा लग। रवि भैया, तुम तो यहाँ बहुत से फिल्म वालों को जानते होगे। हाँ अपन जानता तो है, पर अपन की किसी से कोई खास जान पहचान नहीं है। अपन अपन उनके पते तेरे को दे सकता है। हाँ हाँ, हम जाकर मिल जाएंगे। अभी टेंशन नहीं लेने का, अभी हाथ मुंह धोकर आराम करने का, उसके बाद मैं तेरे को सारे पते दे दूंगा। रवि भैया अरे बाबूलाल जी, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझिए। मंगल जी, ये तो मेरा सौभाग्य कि मुझ गरीब की बच्ची आप जैसे लोगों के घर जा रही है। सलाम।
अरे सौभाग्य तो हमारा समझिए बाबूलाल जी, जो आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन रही है। और रही बात अमीरी गरीबी की, तो आपको एक बात हम बता देते हैं कि दहेज में हम एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेंगे। तुमने जो अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, वो क्या किसी दहेज से कम है? वो तो ठीक है मंगल जी, ये तो आपके मान सम्मान वाली बात है, पर ना एक बाप अपनी बेटी को वो सब कुछ देता है जो उसके भाग्य में होता है। आप ठीक कहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन एक बार बेटे से पूछ लेते कि उसकी क्या इच्छा है। अरे बेटे से क्या पूछना, हमारी पसंद वो हमारे बेटे की पसंद। क्यों बेटा, तुम्हें चुन्नी मिटिया पसंद है ना? बाबू जी, इसे मैं क्या कह सकता हूँ। तो फिर ठीक है, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार। अच्छा ठीक है, तो हम जल्दी से मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देंगे। नमस्ते। रवि भैया, हाँ तो दीजिए। क्या? वो आप कह रहे थे ना, या कोई फिल्म का डायरेक्टर रहते हैं, आप उनका पता देने के लिए कह रहे थे। हाँ हाँ हाँ, उनका नाम है नासिर खान, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। कितने बड़े हैं? इस पंकज से भी बड़े हैं क्या? अरे अपुन का मतलब यो नहीं था, अपुन का मतलब बड़े बड़े हीरो उनके आगे पीछे दो मिलाते घूमते हैं। अच्छा, उन्हें आजकल एक नए चेहरे की तलाश भी है। नए चेहरे की तलाश है, फिर तो हमारा काम हो ही जाएगा। उनका क्या नाम बता रहे भैया? नासिर खान। नासिर खान, अरे शर्मा जी, आपके गाने तो सारी दुनिया में बहुत धूम मचा रखी है, इस बार भी कोई ऐसा बढ़िया सा गाना बनाइए कि मजा आ जाए। नासिर साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और हाँ, आपने अपनी फिल्म में हीरो किसको साइन किया है? फिलहाल तो किसी को नहीं किया है, सोच रहे हैं शाहरुख खान को ले लें। अरे अरे शाहरुख खान को लेने की क्या जरूरत है? क्यों भाई? मैं हूं ना जी। जनाब की तारीफ। हमारा नाम चिरकुट नंगा है और हम पालमपुर गांव उत्तर प्रदेश से आए हैं। सुना है आपको किसी नए चेहरे की तलाश है? हाँ तलाश तो है। तो समझिए आपकी वो तलाश खत्म। वो कैसे? वो नया चेहरा मैं हूं ना, शाहरुख खान। छुट्टी कर दूंगा। यू भाई चिरकुट मियां, हम तुम्हें इस फिल्म में हीरो का रोल तो नहीं दे सकते। हाँ नेक्स्ट फिल्म में हम जो बना रहे हैं उसमें हम हीरो का रोल तुम्हें जरूर दे सकते हैं। पक्का साहब? पक्का साहब। आपकी अगली फिल्म का नाम? अगली फिल्म का नाम चुड़ैलों का बेटा। जी चुड़ैल का बेटा, ये कैसा नाम है? इस फिल्म में तुम्हें चुड़ैलों का बेटा बनकर भूतों से लड़ना है। नहीं नहीं साहब, आप हमें अगली फिल्म में नहीं, इसी फिल्म में काम दे दीजिए ना हीरो का। नहीं, इस फिल्म में तो हम मार्केट हीरो को लेना है, जो सारी दुनिया जिसको पहचानती हो। साहब हमें भी काम दे दीजिए, जब भी तो हमें दुनिया जानेगी। अरे भाई, हम आपको हीरो नहीं बन सकते। क्यों साहब, ऐसी हमारे अंदर क्या बुराई है? तो कोई अच्छाई भी तो नजर नहीं आ रही है। अरे साहब एक मौका तो देकर देखिए। अरे भाई, हमने तुम्हें समझा तो दिया, तुम जाते क्यों नहीं हो? हमारे पास टाइम नहीं तुम्हारे पास मगजमारी करने की, हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। साहब वो जरा क्या जरा जाते नहीं जाते भी बुलाए वॉचमैन को। चले जाते हैं साहब, लेकिन वो याद रखिएगा चुड़ैल का बेटा। ठीक है साहब, नमस्ते। ठीक है नमस्ते। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं हीरो बनने के। हमें बम्बई में एक महीना हो गया, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं दिया। इतने बड़े शहर में इतने बड़े बड़े फिल्म वाले हैं, किसी को हम पसंद ही नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा अब किससे मिला जाए। हाँ एक और सज्जन है, कल उनसे जाकर मिलेंगे, शायद वहाँ जाकर कोई काम मिल जाए।
एक महीना हो गया, मालूम नहीं चुन्नी कैसी होगी, हमारी याद उसे आती होगी या नहीं, इस वक्त वो क्या कर रही होगी। या देवी सर्वतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पान पत्र लेके आओ, अब माला फूल लेकर के आओ भाई। सर्वज्ञे सर्वदे सर्व दुष्ट भयंकरे सर्व दुखारे देवी मां लक्ष्मी नमो इष्टे। ओम भूर्भुवः स्वः दक्षः वीरवर्णं भगवो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती नित्यत्वतराजस्य सन्त्यः स्मृति हृदि यशो स्वलक्ष्मण प्रादुर्भूत क्लास्तः समीरिष्णां भवस्तमं प्रसीदतताम्। या देवी सर्वतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लो बेटा हो गया काम। बेचारा चिलचुट कई भैंस पानी में। अब यार चिरकुट का क्या होगा। क्या हुआ भिड़ू, किसी फिल्म विल्म में कोई रोल वोल मिला या नहीं। कहा मिला रवि भैया, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर हमें अभी तक काम क्यों नहीं मिला। ये मुंबई है भिड़ू, यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, फिर भी कोई फिल्म वाला उन्हें घास भी नहीं डालता। तुम्हारा कहने का मतलब है हम खूबसूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं चिरकुट भैया, क्या बात करते हो, तुम्हारी तो बात ही अलग है। अच्छा ये बताओ आज किससे मिलने का प्रोग्राम है। वो है ना, क्या नाम है उनका, सतीश कंकड़ी, सुना उनको भी कलाकारों की जरूरत है, मिलने में क्या जाता है, मिल लेते हैं सतीश कंकड़ी से। हेलो, हाँ जी, हाँ हमें एक लड़की चाहिए फिल्म में हीरोइन बनाने के लिए, हाँ मॉडल भी चलेगी, ठीक है ओके। साहब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आइए कहिए। साहब हमारा नाम चिरकुट नंगा है, हम पालमपुर गांव से आए हैं। मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। साहब आप मुझे अपनी फिल्म में हीरो बनने का एक मौका दे दीजिए। सुना है। हाँ जी। फिल्म में हीरो। हाँ जी। हीरो तो मैं बना सकता हूँ लेकिन एक शर्त पर। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। तो सुनो, राम 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 राम, हम इस चीज में शौकीन नहीं था, हमसे ये सब नहीं होगा। अरे हम तो आपसे काम मांगने के लिए आए थे, आप तो हमसे खूबसूरत लड़की की डिमांड करने लगे। भाई हमारे साथ काम करना तो हमारा ये काम तो करना ही होगा। नहीं नहीं साहब, हमसे ये सब नहीं होगा। अरे अगर हमारे गांव वालों को पता चल गया तो कितना बुरा भला कहेंगे हमें। तुम मेरे लिए कोई अच्छा सा आइटम लेके आओ तो मैं तुम्हें रातों रात सुपरस्टार बना दूंगा। हमें नहीं बनना सुपरस्टार, सुपरस्टार हम चलते हैं। हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या करो, कहाँ जाने की तैयारी है। वापस अपने गांव। क्यों भाई। क्योंकि अब हमें हीरो वीरो नहीं बनना, तुम्हारा ये शहर हमें जमा नहीं रवि भैया। हम यहाँ क्या क्या सपने लेकर आए थे लेकिन यहाँ हमारा एक सपना भी पूरा नहीं हुआ।
पता नहीं हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है जो हमें काम नहीं मिला। हमारे बापू ने हमें बहुत समझाया लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। काश हम अपने बापू की बात मान जाते तो। तो आप क्या कभी लौट के आने का इरादा नहीं है? नहीं रवि भैया, अब हम लौट कर क्या, लौट कर कभी बम्बई के बारे में सोचेंगे भी। तो फिर आगे क्या करोगे? वापस अपने गांव जाकर अपनी खेती बाड़ी देखेंगे। किसी ने सच कहा रवि भैया, आदमी को उतना ही सोचना चाहिए जितना आदमी के बस में हो। यही तो सही बात है। अच्छा रवि भैया, हम आपके बहुत आभारी हैं जो आपने हमारे लिए इतना सब किया, वरना इस बॉम्बे शहर में कौन किसके लिए इतना करता है। अच्छा रवि भैया ठीक है। अच्छा अभी तुम्हारे गांव आना हुआ तो जरूर मुलाकात होगी। ठीक है रवि भैया, नमस्ते। आज कितने दिन हो गए चिरकुट की कोई खबर ही नहीं मिली। हाँ यालो, उसने बदल तो कुछ भी अच्छा नहीं था। सारा गांव सूना सा लागे। हाँ यार, अरे देखो यार, ये अपना चिरकुट सा लगता है। लगता नहीं है, अपना चिरकुटी है। चलो अबे चिरकुट, अचानक इस तरह? अरे चिरकुट क्या हुआ, तुझे फिल्म में काम मिला? यार तेरे बगैर तो दिल ही नहीं लगता था बिल्कुल। क्या बात है चिरकुट, कुछ परेशान सा लगता है। मुझे भी। क्या हुआ चिरकुट? बता यार चिरकुट, तुझे तो काम मिला नहीं मिला? मुझे वहाँ काम नहीं मिला क्योंकि मैं हीरो बनने के काबिल नहीं। किसने कहा ये? वो फिल्म वाले। ए, झूठ बोलते हैं वो फिल्म वाले, तू तो इतना खूबसूरत। नहीं यार, वो लोग सही बोलते हैं, जो मैं हूँ वो ही बोलते हैं। और सुना तुम लोग कैसे हो, कैसी गुजर रही है? बस यार चिरकुट तेरी याद आती रहती थी हर वक्त। और चुन्नी कैसी है, चुन्नी के क्या हाल चाल है? वो चिरकुट, चुन्नी की शादी हो गई। शादी हो गई? कब? मुंबई गया था ना, उसके कुछ ही दिन बाद चुन्नी की शादी हो गई। चलो अच्छा ही हुआ उसकी शादी हो गई, अगर मेरे चक्कर में रहती तो अपनी जिंदगी बेकार कर लेती। मैं उसे क्या देता सिवाय भूख प्यास के। कम से कम अब दूसरे के साथ खुश तो रह सकेगी। अच्छा दोस्तों चलता हूँ, फिर मिलूंगा। बस उतर गया भूत, बन गया हीरो। अरे हम समझाते थे तो तेरी समझ में नहीं आता था, अब आ गया समझ में। बेटा काश तू अपने बापू की बात पहले मान लेता। हाँ माँ तू ठीक कहती है। अरे हम तो हमेशा ही ठीक कहते थे लेकिन तुम माने तब ना। अरे कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते, कोई माँ बाप ऐसे नहीं होते जो अपनी औलाद के बारे में गलत सोचे। जब औलाद ही ना माने तो माँ बाप क्या कर सकते हैं। बापू अब मेरी समझ में आ गया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत ना है, अब जो भी कुछ करूँगा वो मैं करूँगा।
अब करेगा क्या तू? ये मैं कल सवेरे बताऊंगा। अरे बेटा, तू क्यों परेशान है? फौजी की तरह इधर उधर सेटरिंग क्यों कर रहा है? सूरज सर पर चढ़ाया है और वो तुम्हारे पतिदेव अभी तक सो रहे हैं। मालूम है खेत पर कितना काम पड़ा है। तो टहलने से क्या होगा, आवाज तो दे। अरे ओ बापू, सुनता है कि नहीं? अजी सुनते हो, उठ जाओ, सवेरा हो गया। हाँ, और जरा प्यार से आवाज लगा। अजी उठ जाओ। यस चिरकुट, व्हाट हैपेंड? ये गला फाड़ फाड़ करके क्यों चिल्ला रहा है? क्या खेत पर नहीं जाएगा क्या? पूरे दिन सोता रहेगा? तो से कई दफे कह चुका हूँ मैं खेत वेत पे जा नहीं जाने वाला। खेत पर नहीं जाएगा तो खाएगा कहाँ से? अजी सुनते हो, आज चले जाओ। और हाँ, जब तुम दोनों लौट के आओगे ना, तो गरम गरम गोभी के पराठे बना के रखूंगे। अजी तुम कहती हो तो कैसे नहीं जाएंगे? चलो बापू अभी आ रहा हूँ।